नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल बाबू कुमार है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि अपने मोबाइल का कीबोर्ड चेंज कैसे करें। हाँ दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन का कीबोर्ड रंग बिरंग कैसे करें। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उस फ़ोन का कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो मैं इसमें बताऊँगा कि अपने मोबाइल का कीबोर्ड जो है उसका लुक जो है चेंज कैसे करेंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी फ़ोन हो, सारी फ़ोनों का सेटिंग एक ही जैसा होता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट करना कि उसके बारे में आपका फ़ोन कौन सी है, मैं उसके बारे में भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटों को दबाएँ। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैसेज में जाना है। जब मैसेज में जाएंगे तो देखिए एक कीबोर्ड खुल गया। कीबोर्ड खुलने के बाद देखिए यहाँ पर छोटा सा आइकन है जो सेटिंग का आइकन है, इस पर ओके करना है। इस पर आप ओके करेंगे तो देखिए सबसे नीचे आना है आपको तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर जब आएंगे और इस पर ओके करेंगे तो देखिए ऐसा एक खुल के आएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर तीसरे नंबर पे ओके करना है। देखिए दोस्तों बीच में ओके करना है तीसरे नंबर पे। जब यहाँ पर ओके करेंगे देखो तो दोस्तों ये बंद रहता है तो इसको क्या करना है आपको ऑन करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे कीबोर्ड का फंक्शन आ गया। देखिए दोस्तों मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, इस पर करेंगे तो आपका कीबोर्ड ऐसा दिखाई देगा, जब टाइप करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जब दूसरे पर करेंगे तो आपका कीबोर्ड ऐसा दिखाई देगा, फिर तीसरे भी दिया है, तीसरे में हल्का येलो दिखाई देता है, डार्क और हल्का येलो अच्छा लगता है लुक देखने में, और चौथे पे क्या है ब्लू कलर है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ओके करने के बाद क्या करना है आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद पूरा बैक कर देना है इसको, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितना कूल है, पहले येलो दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो देखिए ये ब्लू हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में भी आपका ऐसे ही दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इसी में जाना है सेटिंग में, और यहाँ पर क्या करना है आपका इंग्लिश होगा तो यहाँ से जाकर क्या कर देना है हिंदी पर, देखिए हिंदी पर ऑन कर देना। आप जो भी भाषा करना चाहते हैं उस पर ऑन कर दीजिए। देखिए ये हिंदी बंद रहता है तो इस हिंदी को क्या करेंगे ओके करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद फिर बैक आना है आपका। ये ऑन करने का फ़ायदा ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसको एक कीबोर्ड ये जो स्पेस का बटन इसको दबा के ऐसे ही करेंगे लेफ्ट राइट किधर भी करें तो आपका हिंदी आ जाएगा, फिर लेफ्ट राइट किधर भी करें तो इंग्लिश आ जाएगा। तो ये कीबोर्ड जो है बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके फ़ोन में सैमसंग वाले ने ये सिस्टम दे रखा है तो ये सबसे अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों बस इस वीडियो में यही था। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो का शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और नीचे कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें अपने सवाल को, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।